हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिराज अंसारी। फ्रेंड्स, क्या आपका जेसीबी का ब्रेक पैंडल लूज हो गया है या फिर ब्रेक हार्ड नहीं हो रहा है, तो कैसे जो है इसको ठीक करेंगे मिनटों में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है यहां पे देख सकते हैं कि इसका मशीन है और इसको जो है सामने में ही सेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से ढक्कन को खोल लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दिखा रहा हूँ आपको, एक और ढक्कन आता है, उसी ढक्कन को खोलना है और उसी में जो है काम करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो ढक्कन खोलने के बाद जो है आपके पास इस तरह से जाली नज़र आएगा। इस जाली को फेंकना नहीं है, यहाँ पर देख लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये खाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऑयल डालेंगे ये चीज़ ध्यान देना है। फ्रेंड्स आपके सामने जो है यहाँ पे ऑयल मौजूद है, लेकिन आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं है पता तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ रेंच। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेयरिंग पाइप, ये मेन लाइन है और यहाँ पर आपको बहुत सारे पाइप नज़र आ रहे होंगे। देख सकते हैं स्टेयरिंग सिलेंडर जो है यहाँ पर आपस में कनेक्ट रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे पाइप ध्यान में रखना है कि कौन सा पाइप जो है मेन लाइन जो है स्टेयरिंग पंप से कनेक्ट होकर के यहाँ पर सिलेंडर में आया है, तो उसी पाइप को खोलना है, बाकी दूसरा पाइप नहीं खोलना है। फ्रेंड्स मशीन को बंद रखना है, ये चीज़ ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे जो है कैसे हम निकालेंगे ऑयल को, देखिए बंद मशीन में वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक पाइप जो है स्टीयरिंग पाइप का मेन लाइन जो है वहाँ पे खोल दिया हूँ और यहाँ पे ऑयल निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा। देख सकते हैं ऊपर में एक आदमी नज़र आ रहा होगा, ये जो है लेफ्ट राइट जो है स्टीयरिंग घुमा रहा है। दोस्तों कोई भी बाजू घुमाओ, एक ही साइड से जो है आपका ऑयल गिरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं लेफ्ट राइट जो है स्टीयरिंग ये घुमा रहा है, तभी ऑयल जो है बाहर निकल रहा है। इस तरह से भरने के बाद जो है फ्रेंड्स हाइड्रोलिक पाइप को आप अच्छे से फिर से टाइट कर दें, नहीं तो मशीन जब चालू करेंगे तो ऑयल गिरेगा, इसलिए जो है अच्छा से आप फुल टाइट कर दें। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, बीच में देख लेते हैं और उसको समझ में नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे जो है ऑयल को निकाला और उसी ऑयल को जो ले जाना है। फ्रेंड्स कैसे जो डालना है वो भी किसी आदमी को पता नहीं होता है कि फ्रेंड्स किस तरह से डाल देना है। फ्रेंड्स कचड़ा ऑयल नहीं डालना, यहाँ देख सकते हैं इसलिए जो है जाली यहाँ पर लगा हुआ रहता है। फ्रेंड्स जाली को अगर खोल देंगे यहाँ पर हल्का सा भी कचड़ा जाएगा तो बारीक सब पाइप होता है, पाइपलाइन कनेक्शन बंद हो जाएगा, तो इस तरह से पूरा असेंबली जो है आपका ब्रेक डब्बी को फेंकना पड़ेगा। दोस्तों ब्रेक ऑयल डालने के लिए और अच्छे तरीके से हमारा वीडियो के लास्ट एंड स्क्रीन में आपको दे दिया जाएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दो छिद्र होगा इस ढक्कन में, आप इस ढक्कन को यहाँ पे डालने के बाद जो है लगा दें और इसके बाद जो है ये जो है बोल्ट को लगा देना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो है ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर सिराज अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं तब तक एक नए वीडियो के साथ।